सभासद अतुल वर्मा पर लगे गंभीर आरोप, घर में दाखिल होकर कमरा चेक करने का बताया जा रहा मामला। बिजनौर में जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, सफाई सहित व्यवस्थाओं का लिया जायजा, अधिकारी और कई नेता मौजूद। राम मंदिर में होगी मठ मंदिरों की मिट्टी समर्पित, सिंधी समाज ने महासचिव से की मुलाकात। नवजात शिशुओं का सही से नहीं हो रहा इलाज, समय पर नहीं पहुंच रहे बाल रोग विशेषज्ञ। अवैध अस्पतालों पर कसा गया शिकंजा, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दर्जनों अवैध अस्पतालों पर मारा छापा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ में हूँ आफीफा मलिक। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर, नाराज डॉक्टर कर्मचारियों ने की हड़ताल, वेतन न मिलने पर जताई गई नाराजगी। नाराज डॉक्टर कर्मचारी ने बंद किया ओपीडी बंद कर अस्पताल कैंपस में धरने पर बैठे। ओपीडी बंद होने के कारण सैकड़ों मरीज हुए परेशान। बिजनौर जिला अस्पताल का बताया जा रहा मामला। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी खबर, नाराज डॉक्टर कर्मचारी ने की हड़ताल, वेतन न मिलने पर जताई नाराजगी। मैं डॉक्टर राजीव रस्तोगी, आज जिला अस्पताल में आप हड़ताल पर बैठे हैं, क्या मामला है? मैं डॉक्टर राजीव रस्तोगी अध्यक्ष अधिकारी कर्मचारी संगठन मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। हमारी हड़ताल सिर्फ इसलिए है कि हमें 3 माह से वेतन नहीं मिला है। जब से हम मेडिकल कॉलेज में गए हैं, जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर हुआ है, स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य शिक्षा में हमें गया है, तब से हमें 3 महीने का वेतन नहीं मिला है। किसी भी कर्मचारी अधिकारी को 3 माह से वेतन नहीं मिला है। हमारी बस सिर्फ एक ही है, या तो हमें मूल विभाग में वापस भेज दिया जाए या हमें सैलरी नियमित दिया जाए और इन 3 माह का वेतन तुरंत दिया जाए। आपने अधिकारी को शिकायत करी? एक महीने से पत्र लिखे जा रहे हैं, प्रिंसिपल मैडम को भी लिखा है, CMS को भी लिखा है और CMS फीमेल को भी लिखा है। कोई अधिकारी ने कोई ऊपर कार्यवाही से अवगत कराया ये हमें नहीं पता। एक तो 15 दिन पहले से होनी थी, आप सभी को मालूम है कि हम लोगों को तनख्वाह ले हुए 3 महीने और 5 दिन हो गए हैं। 3 महीने का मतलब है 1/4 या 12/1/3 साल, 1/3 साल से जो हम लोगों को वेतन नहीं मिला। आप जानते हैं एक मजदूर अगर 3 दिन जो है उसको 3 दिन तक आप उसको जो है पैसे ना दें तो 4th दिन तसला फेंक के अपने घर चला जाएगा, बोलेगा इसी तसले से इसी मजदूरी से मेरे घर का मेरी बीवी का मेरे बच्चों का पेट पलता है। तो बिजनौर से बड़ी खबर, नाराज डॉक्टर कर्मचारियों ने की हड़ताल, वेतन न मिलने पर जताई गई नाराजगी। नाराज डॉक्टर का कहना कि 3 महीने से उनको नहीं दिया गया है वेतन। ओपीडी बंद कर अस्पताल कैंपस में धरने पर बैठे, इस दौरान मरीजों को काफी ज्यादा तादाद में मौजूद मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि 3 महीने से उनको वेतन नहीं दिया गया है। अब खबरें विस्तार से। अकबरपुर नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 2 के सभासद अतुल वर्मा के ऊपर पुलिस के साथ देर शाम 8 से 9 बजे के बीच कशहरी काशीराव आवास घर में दाखिल होकर कमरा चेक करने का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर काशीराम कॉलोनी में रह रहे परिवार वालों ने सभासद द्वारा जबरदस्ती पैसा मांगने का आरोप लगाया और साथ ही नाराज कॉलोनी वासियों ने गाड़ी को भी घेर लिया। लोगों ने बताया कि जबरदस्ती कमरों में दाखिल होकर चेकिंग की जा रही थी, इतना ही नहीं लोगों से आवास आवंटन के कागजात भी मांगे जा रहे थे। ये इन लोगों को 100 नंबर को साथ लेके आए और हर बिल्डिंग पे चढ़ चढ़ के कह रहे हैं कमरा खाली करो नहीं तो पैसा दो। कागज है कि नहीं है? जो रह रहे हैं वो मकान मालिक की मर्जी से है, जो अलाटमेंटी वो तो है ही है। पूरा ये पूरे आवास को तबाह किए हैं 3 सिपाही अतुल वर्मा, जिसमें जब लोगों को सूचना मिली तो इकट्ठा हुए कि बिना कोई आदेश के, बिना SDM या DM या किसी आदेश के बिना ये लोग आए हैं। उसके बाद जब सूचना मिली तो इन लोगों को घेरा गया अतुल वर्मा। जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट स्थित EVM VVPAT और FLCOC स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान सफाई सहित सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी प्रमोद कुमार, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, भाजपा से
धीर सिंह, कांग्रेस के मुनीश त्यागी, बसपा के मोहम्मद सिद्दीक और सपा से अखलाक अहमद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान स्ट्रांग रूम में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने सील्ड तालों को खोलकर संरक्षित FLCOK का निरीक्षण किया गया। साथ ही जिलाधिकारी ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस बल को निर्देश दिए कि पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्व निभाएं और किसी भी अजनबी को भवन में प्रवेश न करने दें। राम मंदिर में सिंधी समाज से जुड़े मठ मंदिरों की मिट्टी को समर्पित किया जाएगा। 21 अक्टूबर को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिट्टी समर्पित की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली से अयोध्या पहुंचे सिंधी समाज के लोगों ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात भी की। प्रगतिशील सिंधी समाज के सदस्य श्रीकांत भाटिया ने बयान देते हुए कहा कि भारत के सभी सिंधी मंदिरों से मिट्टी जुटाई जा रही है। उन्होंने बताया कि 31 अक्टूबर को 200 से अधिक संख्या में मिट्टी लेकर अयोध्या पहुंचेंगे सभी लोग। बहराइच के प्रयागपुर CHC अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ के समय से ना आने के चलते नवजात शिशुओं का सही से इलाज नहीं हो पा रहा है, जिस कारण आए दिन नवजात शिशुओं के परिजनों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताते चले कि बदलते मौसम के चलते समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इलाज के लिए परिजन अपने बच्चों को लेकर CHC प्रयागपुर पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि डॉक्टर कभी भी समय से अस्पताल नहीं आते। इस बारे में जब सवाल जवाब किए गए तो आश्वासन ही दिया गया कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अवैध अस्पतालों पर शिकंजा कसते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लखनऊ में अवैध अस्पतालों पर एक के बाद एक लगातार छापेमारी की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग टीम ने दर्जनों अवैध अस्पतालों पर छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक क्लिनिक संचालक मरीजों को क्लिनिक में बंद करके मौके से फरार हो गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी मरीजों को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान इटौंजा क्षेत्र के अमानीगंज गांव के ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को घेर लिया। साथ ही कार्रवाई के दौरान क्लिनिक के संचालक और गुर्गों ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ बदसलूकी भी की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जो हरदोई की पिहानी की CDPO का बताया जा रहा है। रुपए लेते हुए वक्त का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि वायरल वीडियो में 500 रुपए के नोटों का बंडल लेते हुए ये महिला पिहानी की बाल विकास परियोजना अधिकारी का है। किसी मामले को लेकर महिला अधिकारी ने पैसे लिए हैं और पैसे भी बड़ी मात्रा में लिए गए हैं, ऐसी बात कही जा रही है। मामले का किसी ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इस मामले में DMSP सिंह ने बताया कि मामले की जांच DDO को सौंपी गई है। जांच के बाद इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आज एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें किसी के द्वारा कुछ धनराशि लिए जाने का वीडियो मिला है और कुछ ऑडियो क्लिप्स भी हैं। बताया गया है कि ये शायद CDPO पिहानी का है। मैंने जांच के लिए जिला विकास अधिकारी को नामित किया है, वहां DDO पहुंच भी गए हैं, जांच हो रही है और जांच के बाद जो भी सीतापुर जिले में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान लगातार हो रही मौतों पर जनता ने परेशानी और नाराजगी जताते हुए स्वास्थ्य विभाग से मदद की गुहार लगाई है। कहा जा रहा है कि कम उम्र के लड़के फर्जी तरीके से इलाज कर रहे हैं, जो बेशक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को बढ़ावा देने का जरिया बन रहा है। जानकारी के मुताबिक सीतापुर जिले में लगभग 4000 क्लिनिक फर्जी तरीके से संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ पर भी सूचना मिलती है फीवर की, तुरंत हम अपनी टीम को भेजते हैं तथा समुचित उपचार दिया जा रहा है और जांच भी की जा रही है। नई भी सबके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी और FIR भी हुई है और इसकी जांच अभी कुछ चल रही है। जांच पूरी होने पर फिर उनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी। होम्योपैथी को आयुर्वेदिक का वो डिपार्टमेंट अलग है, उनका रजिस्ट्रेशन अलग होता है। वो क्षेत्रीय इंजीनियरिंग अधिकारी उनके यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, उनको भी क्लिनिक चलाने का अधिकार है। लेकिन हरदोई के शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में एक निजी क्लिनिक के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई। जानकारी के मुताबिक अज्ञात चोर बाइक लेकर फरार हो गए और ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। CCTV फुटेज के आधार पर ही पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। ये घटना तब घटी जब एक शख्स अपनी बेटी की दवा लेने आए थे, वो दवा लेने अंदर गए, इसी बीच क्लिनिक के सामने खड़ी बाइक चोर लेके फरार हो गए। एक CCTV फुटेज का वीडियो वायरल है
जो शाहबाद का बताया जा रहा है, एक क्लिनिक के सामने रोड के दूसरे तरफ एक बाइक खड़ी है, जिसमें एक व्यक्ति आता है और बाइक लेके चला जाता है। उपरी फुटेज की जांच की जा रही है, जांच करके इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। एक सीसीटीवी फुटेज का लखीमपुर खीरी में जंगल क्षेत्र के किनारे रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दरअसल जंगली जानवर आए दिन किसी न किसी व्यक्ति पर हमला करते रहते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं। खेत पर मवेशियों के लिए चारा लेने गए एक युवक पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को मामले की सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और ग्रामीणों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। औरैया के एक घर में पुताई का काम कर रहे मजदूर की मकान के करीब से निकली हुई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। लोगों ने जब आग देखी तो पुलिस और बिजली विभाग को इसकी सूचना दी गई, लेकिन फिर भी काफी देर बीत जाने के बाद भी बिजली नहीं काटी गई। वहीं युवक बुरी तरह जलता रहा और तड़प तड़प कर उसने दम तोड़ दिया। पड़ोसियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ठीक है, विधिक कार्रवाई की जाएगी इस पर। ठीक है, इसमें अभी देखने का प्रयास किया जाएगा कि भाई गलतियां किसकी तरफ से रही हैं। ठीक है, और विभागीय मतलब फॉर्म जो भरे जाते हैं, ठीक है, फॉर्म वगैरह भर के, ठीक है, यदि मतलब जो है विभाग की तरफ से जो है, ठीक है, कोई मतलब कैजुअलिटी हुई है, ठीक है, जैसे कि मतलब जो है, ठीक है, आगे कार्रवाई के पश्चात पता चलेगा। ठीक है, तो अगर विभागीय रूप से हुई है, विभागीय गलती की वजह से हुई है, तो इनको मुआवजा दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और इसके कस्बे में तार झूल रहे हैं? नहीं, कस्बे में तार जो झूल रहे हैं, ठीक है, उसके लिए प्राइवेट कंपनी को लगाया गया है और कंपनियां जो है, ठीक है, उसको सही करा रही हैं। मैं भी अपने स्तर से प्रयास कर रहा हूँ। पहले की खबर है, फफूंद में जो ये अछल्ला चौराहा पड़ता है जी, यहाँ पे एक मृतक जो है शिवम सनफ प्रेमचंद, ये नगला प्रबंधी इकदिल इटावा का रहने वाला है। एक घर में पुताई कर रहा था, उसके जस्ट बगल से हाई टेंशन की तार गुजरी हुई है। यहाँ पे क्या नाम है, उस तार से वो चिपक गया। चिपकने के बाद मौके पे ही डेथ हो गई है। पंचनामा कार्रवाई की जाएगी, पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया चीज़ों में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस के द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसको कोई मुआवजा मिलेगा? अभी संबंधित विभाग से, बिजली विभाग से जय साहब को बुलाया गया है। जय साहब इसके बारे में आप लोगों को बता देंगे। इनके द्वारा कहना ये है कि अभी ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रतापगढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। देश भर में इंडिया गठबंधन के नेताओं पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की छापेमारी और गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही पत्रकारों की गिरफ्तारी के मुद्दे पर भी अपनी भड़ास निकाली। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। मुझे दुख है इस बात का कि सरकार को ये लगता है कि जो खिलाफ है उसको गिरफ्तार कर लो, राजनेता है उनको गिरफ्तार कर लो, पत्रकार है उनको गिरफ्तार कर लो। एक ही दिन सोचिए, पत्रकारों की भी गिरफ्तारी हुई और फिर संजय सिंह आप पार्टी के नेता उनकी भी गिरफ्तारी हो गई ईडी की तरफ से। बीजेपी ये समझ ले, इनके खिलाफ 100 करोड़ लोग हैं। इस बार जब 2024 का चुनाव होगा तो 100 करोड़ लोग इनके खिलाफ हैं। क्या ये 100 करोड़ लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे? इस बार यही भारत की जनता पीडीए मिलकर के इंडिया भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर देगी और जिन जिन से ये घबराते हैं उन्हीं को गिरफ्तार करने जाते हैं। ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं, ये उनके संगठन के प्रकोष्ठ हैं, उनके संगठन के हिस्से हैं। इसलिए आपको इस पे ज्यादा बुरा मानने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इतना ही, जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।